दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन स्टूडियो इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आप सभी के विशेष मांग पर एक बार फिर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल अपडेट पर। जैसा कि देख रहे हैं, कहा जा रहा है नवचयनित लेखपालों को करना होगा इंतज़ार। बिल्कुल, अगर देखा जाए जितने भी नवचयनित लेखपाल भाई बहन हैं, सभी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि भैया आखिरकार अगला जो मुद्दा है वो हम लोगों को क्या हो सकता है। बट यहाँ देखिए, इसी चीज़ में जो है अभी आप सभी को इंतज़ार क्यों करना पड़ेगा, बिल्कुल हम आपको बताएंगे। क्या 8 जुलाई से पहले हमारी सुनवाई जो होना सुनिश्चित हुई है? हालांकि अगर देखा जाए डेट फिक्स तो 8 जुलाई की ही है, तो इसी में आप कमेंट कर रहे हैं कि भैया क्या 8 जुलाई से पहले सुनवाई हो सकती है या नहीं हो सकती। बट यहाँ देखिए, अर्जेंसी लगेगी या नहीं लगेगी? देखिए, अर्जेंसी की मांग आप सभी की लगातार जारी है कि आखिरकार अर्जेंसी लगाकर मामले को पहले सुना जाए। तो क्या अर्जेंसी लग सकती है या नहीं लगेगी? आपको पता है कोर्ट भी बंद हो जाएगा। देखिए नीचे कहा जा रहा है नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, और यहाँ सरकार की मंशा भर्ती को लेकर साफ नहीं। तो क्या वाकई में ऐसा है कि भर्ती को लेकर सरकार की मंशा साफ नहीं है? तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज़ अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अच्छा, यहां देखिए सबसे पहले जो आपके कमेंट आ रहे थे कि भैया आखिरकार क्या जितने भी नवचयनित लेखपाल भाई बहन है, अभी हम लोगों को कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक इंतज़ार के सवाल हैं, अगर हम आपको इसके संदर्भ में स्पष्ट रूप से बताएं तो आपको भले ही लोग कह रहे हैं कि 8 जुलाई से पहले हमारी सुनवाई हो जाएगी, लेकिन चांसेस तो नहीं है। ठीक है, आपको इंतज़ार 8 जुलाई तक हर हाल में करना होगा। लेकिन आपको पता है अर्जेंसी, एक शब्द आता है अर्जेंसी का, अर्जेंसी लगाई जाती है। अर्जेंसी लगाकर जैसे अगर कोई डेट है, सुनवाई की डेट विलम्ब से मिली हुई है, बट आप अर्जेंसी लगाकर मामले को पहले आप सुन सकते हैं। तो आप ये कह रहे थे कि अर्जेंसी लगेगी या नहीं लगेगी, ये आपके ऊपर है। अगर आपको पता है चंदा वगैरह कलेक्ट किया जा रहा था, लेकिन आपका जो सहयोग है वो सहयोग बढ़िया तरीके से नहीं मिला। ठीक है, तो इसलिए अर्जेंसी की उम्मीद तो थोड़ी सी कम की जा रही है। लेकिन हाँ, कल की डेट में आप सभी का जो सहयोग मिला ट्विटर कैंपेन पर वो काफ़ी सराहनीय रहा। ठीक है, लगभग 2 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने जो है ट्विटर कैंपेन में भाग लिया, और ये काफ़ी अच्छा रहा। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो है अब फिलहाल के लिए कोर्ट भी आपका बंद हो जाएगा पूरा 20 मई से, है ना। तो बेहतर आपके लिए यही होगा कि आप अपनी बातों को ट्रेंड में लाने के लिए, भाई हम आप धरना प्रदर्शन तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि आचार संहिता प्रभावी है, और आचार संहिता में आपको पता है उल्लंघन नहीं करना है। ठीक है, तो हमारे आपके लिए बेहतर यही होगा कि हम आप ट्विटर कैंपेन पर लगातार अपनी बातों को जारी रखें। करना क्या है, आप लगातार एक एक डेट को फिक्स किया जाए, और हमें आपको अपनी बात को आगे बढ़ाने का यही एक सबसे अच्छा अवसर होगा। बाकी जब ज़मीनी स्तर से धरना होगा तो वो तो आचार संहिता के बाद ही होगा। ठीक है, इसलिए आप एक डेट को फिर से कमेंट करें कि आखिरकार किस डेट को जो है ट्विटर कैंपेन रखा जाए, है ना। बाकी अर्जेंसी अर्जेंसी के बारे में आप छोड़ दीजिए, आपकी जो डेट फिक्स की गई है 8 जुलाई की, वो 8 जुलाई को ही होगी। इससे पहले आपकी जो जो सुनवाई है वो नहीं हो पाएगी। नियुक्ति पत्र कब मिलेगा? जब भर्ती से आपका स्टे हटेगा तब मिलेगा। सरकार की मंशा इस भर्ती को लेकर बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अगर मंशा इनकी साफ होती तो अब तक कब का आपका जो नियुक्ति पत्र का मामला है, आपने देखा, आपने काफ़ी अपर लेवल तक जो है लेटर के माध्यम से जो है इनसे निवेदन भी किया, लेकिन आपके लेटर भेजने और न भेजने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए इनकी जो कहीं ना कहीं आपकी भर्ती को लेकर चीज़ें हैं वो स्पष्ट नहीं हैं। ये नियुक्ति पत्र नहीं देना चाहते, लेकिन हमें आपको अपने नियुक्ति पत्र, हमारा अधिकार है। ठीक है, हम आप नियुक्ति पत्र फिलहाल के लिए लेकर रहेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो स्पष्ट ही है कि जब तक 8 जुलाई नहीं होगी, मामला आपका कोर्ट फिनिश नहीं होगा, तब तक किसी के बस की बात नहीं है कि नियुक्ति पत्र अपना ले लेगा। अब ये सब सारी चीज़ें हमारे और आपके हाथ में है, है ना। हमें आपको अपनी बातों को ट्रेंड में लाना है, ताकि हमारी आपकी बात जैसे 8 जुलाई जब आए तो उस दिन हमारा जो मामला है वो फ्रेश हो जाए। ठीक है, तो आप किस डेट को ट्विटर कैंपेन करना चाहते हैं, बिल्कुल आप कमेंट करके इस बात को अवश्य अवगत कराइएगा, ताकि एक डेट फिक्स किया जाए। जिस भाई जिस डेट को सब लोग चाहेंगे उसी डेट को होगा। ठीक है, एक लोगों को चाहने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।